नमस्कार बंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आप सबको पता है नई सरकार ने शपथ ले ली है, मंत्री पद का भी बंटवारा हो चुका है। तो ऐसे में आठवां पे कमीशन अब मीडिया में जोरों शोर से छाया हुआ है दोस्तों। जी हाँ, साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर तक निकाल के बताया जा रहा है कि 3.6 फिटमेंट फैक्टर होगा, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया में 18 महीने का DADR का एरियर वाला जो जिन है, जो भूत है, वो फिर से जाग गया है, वो भी सरकार गठन होने के बाद। और दोस्तों, आपको सैनिक पाठशाला की मुहिम की कहानी सुनाऊंगा, सैनिकों की जवानी। और साथ ही साथ आपको ORP 2 का एरियर अभी भी मिलना बचा हो सकता है, जो आपको पता ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में उसके बारे में भी जानकारी दूंगा कि कैसे आपने पता करना है कि आपका एरियर कैसे बचा हो सकता है। तो चलिए, सभी विषयों को आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, नई सरकार के शपथ लेते ही सरगर्मी तेज हो गई है। आठवें वेतन आयोग को लेकर के मीडिया में अटकलें, फिटमेंट फैक्टर 3.68। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंटरनेट में अगर खबरें ढूंढेंगे आठवें पे कमीशन को लेकर के, तो महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी ऐसी अखबारें हैं जो इस खबर को दिखा रहे हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, चाहे न्यूज 18 हो, चाहे जी न्यूज हो, कई सारे प्रमुख अखबारों ने आठवां पे कमीशन के गठित होने के विषय को लेकर के अपने पोर्टल्स में, अपने अखबारों में इस खबर को तवज्जो दी है। और दोस्तों आपको बता दूं, सिर्फ तवज्जो देना ही नहीं, पेमेंट में जो सरकारी कर्मचारियों के मिनिमम पेमेंट में 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी के बारे में भी लिखा गया है। जैसे ये रिपोर्ट देख पा रहे हैं, ये नवभारत टाइम्स का रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.68 तक जा सकता है। हालांकि किस कैलकुलेशन के आधार पर 3.68 बताया गया है ये हमें पता नहीं है, लेकिन 3.68 पहुंचना तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, पहले पे कमीशन ही बैठ जाए वो ही बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार गठन होने के बाद इस तरीके से मीडिया हाउसेस में इस बात का चलना, कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में आठवें पे कमीशन को गठन करने को लेकर सरकार कुछ ना कुछ डिसीजन लेगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, और एक मुद्दा है सरकार गठन होने के बाद जो गर्मा रहा है, और वो है सोशल मीडिया में फिर से उछला 18 महीने का DA एरियर का मुद्दा। जी हाँ, बड़े बड़े थंबनेल लग रहे हैं YouTube के वीडियोस के, वहां 18 महीने का DADR नई सरकार दे देगी, इस तरीके से दिखाया जा रहा है। हालांकि ये हमारा जायज हक है, ये हमारी मांग है, 18 महीने का DADR जो फ्रिज करके रखा गया वो दिया जाना चाहिए, लेकिन क्या सरकार नई सरकार देगी आपको इसको लेकर के? 18 महीने का DADR जब फ्रिज किया गया था, उस समय का भारत सरकार का आदेश दिखा के समझाता हूं कि उस आदेश में लिखा क्या गया था। ये सामने आप भारत सरकार का वही आदेश देख पा रहे हैं 23 अप्रैल 2020 का, जिसमें DA फ्रिज करने को लेकर के भारत सरकार ने आदेश निकाला था। इस आदेश में सब कुछ, कितना कब तक का फ्रिज होगा वो तो लिखा ही गया है, लेकिन 2 नंबर पैराग्राफ का जो लास्ट पोर्शन है, जहां पर एरियर्स को लेकर के कुछ लाइन लिखी गई थी, वो उसी समय लिख दी गई थी। देखिए क्या लिखा गया था, नो एरियर्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टिल 30th June 2021 शैल बी पेड, यानी कि इस ड्यूरेशन का एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। आपको मैं आगे हिंदी में दिखाता हूं, नीचे हिंदी में भी उसी लेटर का जो अनुवाद है, आप देखिए उसी लेटर का हिंदी में अनुवाद, उसका पैराग्राफ नंबर 2 में क्लियर यही बात लिखी गई है। यानी कि दोस्तों इस लेटर से क्लियर है, जब लेटर ही निकाला गया था सरकार देने के मूड में नहीं है, लेकिन मांग नहीं छोड़ी जानी चाहिए। जो भी हमारी संस्थाएं हैं, जो भी सरकार के साथ बातचीत करने वाले पेंशनर्स के संस्थाएं, कर्मचारियों के संस्थाएं हैं, उनको बीच बीच में इस मांग को जरूर उठाते रहना चाहिए, लेकिन आपको भी ज्यादा आस नहीं रखना है, क्योंकि सरकार ने फ्रिज करते टाइम ही बोला था नहीं देंगे, लेकिन मांग हम जरूर करेंगे, चाहे सरकार दे चाहे ना दे, मांगना हमारा काम है और मांग समय समय पर उठती रहनी चाहिए 18 महीने के DA एरियर को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, सैनिकों की जुआनी, सैनिक पाठशाला की मुहिम की कहानी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो जानकारी की अभाव से अपना नुकसान करा बैठते हैं, तो ऐसे पेंशनर्स जब सैनिक पाठशाला के वीडियोस देखते हैं, सैनिक पाठशाला के संपर्क में आते हैं, तो उनका होता है फायदा। कैसे होता है वो मैं आपको
कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन आज मैं दो पेंशनर्स के थोड़ा सा वीडियो क्लिप, छोटे से वीडियो क्लिप हैं, वो लेके आया हूं, उसको सुन लीजिए। सैनिक पाठशाला को रॉयल सल्यूट। अगर सैनिक पाठशाला चैनल नहीं होता, मुझे फाइव स्टेट का सर्कुलर का अरियर नहीं मिलता। मैं कहीं से 4 महीना पहले से इसके लिए लड़ रहा था। लड़ने का कारण जो है सैनिक पाठशाला, मुझे जो है जो भी है, जो भी जो वेलफेयर है वो सैनिक पाठशाला से मुझे सुनने को मिला, और मुझे फाइव स्टेट का जो अरियर मिला है और उसका 100% सैनिक पाठशाला चैनल मुझे हेल्प किया। धन्यवाद। और सब फौजी जो है सैनिक पाठा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको इस्तेमाल करें। जो भी अगर हमें पेंशन आने के बाद हमें जो मिलना चाहिए और नहीं मिला, उसके लिए अगर घर में बैठ के सो जाने से अगर हमें पेंशन आ रहा है, इसी तरह सोच के ना बैठें। आप कॉन्टेक्ट करें सैनिक पाठा चला चैनल को, सब्सक्राइब करें, इससे आपको सब कुछ जो भी आपको पेंडिंग में है, जो आपको नहीं मिला, वो सब कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद सैनिक पाठशाला चैनल को। नमस्कार, जय हिंद। मैं एमएससीपी हवलदार हरी छेत्री रिटायर। मैं 2011 में रिटायर आया हूँ और मुझे ORP2 का जो एरियर मिला और मेरा PPO जनरेट हुआ, तो PPO जनरेट होने के बाद मैंने उसमें अपना PPO में बेसिक पे जो सर्विस पेंशन है वो चेक किए, तो मुझे 20,107 रुपये मिल रहा था नाइक का, और जो लेवल 04 था उसमें, लेवल 04 का मतलब नाइक का पेंशन। तो मुझे तो लेवल 05 होना चाहिए था, MCP हॉल्डर लागू था मुझे। तो मैंने अपने दोस्त को भी फ़ोन किया, तो उनका 21,782 रुपये था। तो मैं सैनिक पाठशाला चैनल में ये चैनल हमेशा देखता था, तो ये सैनिक पाठशाला चैनल के माध्यम से मैंने CP ग्राम में ग्रेवेंस डाला। ग्रेवेंस डालने के बाद मुझे ये 7 तारीख को मेरा बेसिक पे जो 20,107 रुपये था उसमें बढ़ोतरी होके 21,782 रुपये आया, और मुझे 52,000 रुपये मुझे एरियर भी मिला, और ORP2 का एरियर तो पहले मिल चुका था। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सैनिक पाठशाला चैनल का और दाल सर को, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके माध्यम से, उनकी गाइड से मेरी आज 1675 रुपये बेसिक में बढ़ोतरी हुई है, और मैं अंत में सैनिक पाठशाला चैनल को आभारी। तो आप सबने देखा दोस्तों, सैनिक पाठशाला की सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को जागरूक करने की मुहिम रंग ला रही है, उनको उनका बकाया, उनका हक, उनका पुराना पैसा भी मिल रहा है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6 महीने के संघर्ष के बाद 10 जून को 1,15,944 का एरियर आया खाते में, आपको भी लागू है, समझें, मिला जून का पेंशन स्लिप भी। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनका एरियर छूटा हुआ है, ORP2 की बात कर रहा हूं मैं, और खास करके फैमिली पेंशनर्स। ये उन फैमिली पेंशनर्स की जानकारी है दोस्तों जिनका फैमिली पेंशन इस ORP2 के दौरान में शुरू हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको प्रवीण मानू जी का एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दिखाता हूं। ये जो सामने आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख रहे हैं, इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में बैंक ने बकायदा माना है, एक्सेप्ट किया है कि हमने उनको पूरा एरियर नहीं दिया, और उसके बाद उनका कैलकुलेशन शीट भी जारी किया गया, जिस कैलकुलेशन शीट में पूरा ORP2 का एरियर का कैलकुलेशन करते हुए 1,15,944 रुपए का एरियर बकाया होने की बात एक्सेप्ट की गई, और स्पर्श PCDA को यह नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेज दिया गया। अब इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के पहुंचने के बाद प्रवीण मानू जी का भुगतान हो गया है, ORP2 का बचा हुआ एरियर का भुगतान। ये दोस्तों, इनको पहले भी एरियर मिल चुका था, लेकिन किस कंडीशन में ये एरियर मिला है वो आगे आपको समझाऊंगा। सबसे पहले उनका स्पर्श से पेंशन स्लिप भी जारी हो चुका है जून महीने का। ये जो सामने आप पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं, जिसमें लमसम पेमेंट करके
115,944 रुपए का उनको एरियर का भुगतान हुआ है और जून महीने का पेंशन स्लिप भी, उनका एरियर भुगतान वाला पेंशन स्लिप भी जारी हो चुका है। और ये मैसेज देखिए, इस मैसेज में भी उनको जब बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ था 115,944 रुपए, उसका मैसेज आया हुआ उनको दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से कई सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि किन पेंशनर्स को जो बचा हुआ एरियर मिल जाएगा। सबसे पहले समझिए, कोई पेंशनर जो है सर्विस पेंशन ले रहे थे, सर्विस पेंशन ले रहे थे जुलाई 2019 तक वो जीवित थे, सर्विस पेंशनर थे। अब जुलाई 2019 के बाद 2019 में 20 में 21 में कभी भी अगर उन पेंशनर का डेथ हुआ और फैमिली पेंशन इस ड्यूरेशन में शुरू हुआ है, यानी कि जुलाई 2019 के बाद अगर फैमिली पेंशन शुरू हुआ है, तो जिन फैमिली पेंशनर को एरियर का भुगतान हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली पेंशन शुरू होने के बाद का एरियर का भुगतान हुआ है। तो मान लीजिए 1 जुलाई 2019 किसी पेंशनर का मान लीजिए डेथ हो जाता है 31 दिसंबर 2019 को, 31 दिसंबर 2019 को डेथ हो जाता है, तो अब फैमिली पेंशन तो 1 जनवरी 2020 से शुरू हो गया। अब 1 जनवरी 2020 से लेकर के आगे ओआरओपी 2 का एरियर का भुगतान तक का एरियर तो मिल गया उनको फैमिली पेंशनर के हिसाब से, लेकिन जो सर्विस पेंशनर का पीरियड का ये 6 महीने का एरियर था या जिसके केस में जितना भी महीना हो, वो एरियर पेंशनर को भुगतान नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारे फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको जो सर्विस पेंशनर जो जीवित रहने के समय का जो एरियर था उसका भुगतान नहीं हुआ, और परवीन बानो जी का केस भी यही था। तो उनको इस ड्यूरेशन का यहां से लेके मान लीजिए 31 दिसंबर 2022 यहां तक का तो एरियर उनको मिल गया जब से फैमिली पेंशन शुरू हुआ और आगे ओआरओपी 2 का भुगतान तक का, लेकिन इस पीरियड का फॉर एग्जांपल इस पीरियड का उनका एरियर नहीं मिला है। अब परवीन बानो जी का पीरियड थोड़ा ज्यादा था, ये जो सर्विस पेंशनर वाला पीरियड ज्यादा था इसलिए उनका एरियर इतना बना, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स का हो सकता है 10,000, 20,000, 25,000 या 40,000 ऐसे बने, लेकिन उनको ये एरियर लागू है। इसलिए आप चेक करें, खास करके अगर आपका फैमिली पेंशन जुलाई 2019 के बाद शुरू हुआ है, ओआरओपी 2 के भुगतान से पहले शुरू हुआ है, तो उस पीरियड के पेंशनर्स को जरूर चेक करना है कि आपको जो सर्विस पेंशनर के पीरियड का एरियर ओआरओपी 2 का मिला या नहीं मिला। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था, आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।